हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल गुब्बारे के जैसा भटूरा, और ये बाजार से बढ़िया होगा और क्रिस्पी होगा खाने में। अब बिल्कुल परफेक्ट तरीका से हम भटूरा बनाना घर पे बताएंगे, बिल्कुल जालीदार। ये देखिए कितना जालीदार है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, भटूरा बनाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, justcallme.in नाम से वेबसाइट है, इस पे आप विजिट करें। यहाँ पे डॉक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आसानी से बुला सकते हैं, कॉल करना बिल्कुल फ्री है, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। ये देखिए, हम 500 ग्राम मैदा ले लिए हैं, छान के ले लिए हैं मैदा को, और हम यहीं पे 100 ग्राम सूजी लिए हैं। सूजी ये बारीक वाला है। थोड़ा सा हम नमक लिए हैं, थोड़ा सा भूरा लिए हैं, चीनी का भूरा, आप चीनी भी ले सकते हैं। और यहीं पे हम 100 ग्राम के करीब खट्टा दही लिए हैं। दही को हम थोड़ा सा पानी डाल के और फेंट लेंगे इसे अच्छा से। यहीं पे हम फेटा हुआ दही को डाल लेंगे और सूजी हम डाल लेंगे यहीं पे, और नमक और चीनी जो लिए थे वो भी हम साथ के साथ डाल लेंगे। और हम यहीं पे चाहे तो बेकिंग पाउडर या ईस्ट का यूज आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ईस्ट डालूंगी मैं। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप एक बड़े चम्मच, खाने वाला चम्मच में बेकिंग पाउडर डालें, इससे भी बहुत ही जालीदार भटूरा बनता है। तो ईस्ट डालने के बाद में हम थोड़ा सा पानी और डालते हुए एक बिल्कुल सॉफ्ट सा मैदा हम लगाएंगे। सख्त नहीं होना चाहिए। जब ये मैदा को हम गूंदेंगे तो बिल्कुल नरम लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें गून लेना है मिला मिला के, और थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल लगा के और अच्छा से इसे मसल मसल के चिकना करेंगे इस मैदा को। जब ही जाके हमारा भटूरा में बढ़िया सा टेस्ट आएगा और क्रिस्पी होगा। तो देखिए कितना मैं इसे नरम लगाई हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसे ढक के हमें रख देना है 2 घंटा के लिए धूप में। कोई भी गर्म जगह पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे 2 घंटा के बाद हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा मैदा फ्लफी हो गया है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा फ्लफी हुआ है, और इसका भटूरा बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए इसमें कितना अच्छा जाला बना है। तो जाला बनने के कारण यही है कि बहुत ही बढ़िया इसका भटूरा बनेगा। तो अच्छे से हम एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ज्यादा मिक्स ना करें, और एक लोई काटना स्टार्ट करेंगे। तो लोई हमें किस तरह से काटना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फोल्ड करके उसके बाद निकालते जाना है। देखिए मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ। इस तरह से फोल्ड करें और निकालें। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जब ही जाके ये भटूरा बिल्कुल मार्केट जैसा फूला फूला, या बाजार कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप, घर पे मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए हम थोड़ा सा ऑयल लगा के, कोई सा भी ऑयल लगा के इसे बेलना है। परथन से बिल्कुल ना बेलें आप, जो सूखा परथन होता है उससे आप बिल्कुल ना बेलें। उससे भटूरा बहुत जल्दी फूलता नहीं है और दिक्कत आती है। तो बिल्कुल बराबर बेलें। बेलते वक्त आप ध्यान रखें कि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना होए, बिल्कुल बराबर होए, और बहुत बढ़िया तेल गर्म होना चाहिए। देखिए हम तेल 1 लीटर करीब लेके अच्छे से गर्म कर लिए हैं, और ये जो मैं टुकड़ा डाली तुरंत सेक के ऊपर आ गया। इस भटूरा को हम डालेंगे और अच्छे से हम करछी से प्रेस करते हुए इसे फुला लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया गेंद के जैसा गुब्बारा कह सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा ही फुला है भटूरा, देख सकते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ईजी है। तो देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी होके रेडी हो गया। तो ध्यान रखिए कि आप जब भी भटूरा को तलें तो बड़ा कढ़ाई हो, तेल ज्यादा हो और गरम हो धुआं निकलने तक। तो मैं इसमें का जाला दिखाऊंगी आपको कि देखिए इसमें कितना बढ़िया जाला बना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया पैकेट पैकेट सा जाला बना है। देखिए बहुत बढ़िया जाला बना है, तो और क्रिस्पी भी है भरपूर। तो आप इस तरह से भटूरा को बनाएं, बिल्कुल आपको आसानी लगेगा। दूसरा भटूरा भी हम बेल कर रख लिए हैं, और सेम तरीके से हम तेल उछालते हुए सावधानी से तेल उछालें क्योंकि गर्म कढ़ाई है, और इसे टर्न कर लें। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गुब्बारे के जैसा हमारा भटूरा फूल फूल के रेडी हो रहा है, और क्रिस्पी होने के बाद में इसे निकाल लें, बहुत जल्द बन जाता है भटूरा। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया हमारा भटूरा बना। तो आप इस तरह से बनाएं, बनाना बिल्कुल आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
justcallme.in नाम से वेबसाइट पे आप विजिट करें ज्यादा से ज्यादा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। और चार वीडियो साथ का साथ जो आ रहा है उसे भी देखें। और हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें।